दिल्ली का जो मेन रोड है, जो रेड लाइट एरिया में, जो वीआईपी एरिया में, उसमें रबर का रोड बना दिया। लेकिन यहां पर क्यों नहीं बना? वो पैसा तो हमारा और आपका था, वो रोड कहां बना दिया? रबर का रोड, वीआईपी रोड दिल्ली में बना दिया। आज हमारा पैसा से उड़ीसा में जेल बना दिया और हमारे लोग ही ज्यादा वहां पर, इसका आवाज कौन उठाएगा? तो समाज के प्रत्येक जन को जागरूक होना होगा कि ऐसे ऐसे अगर हमारा मद का पैसा को अगर बांट दे रहा है, तब तो हमको बोलना ही होगा ना कि हम लोग मार पीते रहेंगे। तो साथियों, एक अहम चीज है और उसी कार्यक्रम के तहत अप्रैल 14 को और 15 को एक भव्य आदिवासी महारैली का आयोजन किया गया है और उसमें हम लोगों को हजारों हजार की तादाद में इसीलिए पहुंचना है ताकि हम अपने हक और अधिकार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। आज हमारा संवैधानिक गतिविधि जो है टूटता जा रहा है, उसको कैसे जोड़े, उस पर हम लोग वहां सामूहिक विचार करेंगे। आज जब हम लोग सोचते हैं अपना समाज के बारे में, समाज भी हम लोग का एकजुट नहीं दिख रहा, इसके पीछे क्या कारण? क्या दिकू है? तो हमारे सामने वो दिकू कौन है उसको पहचानने का जरूरत है। नहीं तो अभी हम लोग अबुसल के बारे में बात कर रहे थे कि आप लोन लिए और दिकू लोग जान गया कि अमुक व्यक्ति के पास, निर्मल लकड़ा के पास 10 लाख का लोन आया है अभी अबुसल का काम करने के लिए, वो पीछे पड़ जाएंगे और धीरे धीरे